असलम जी वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट ई एन जी फाइव जीरो थ्री का लेसन थर्टी हम आज डिस्कस करेंगे जो कि करिकुलम डिवेलपमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग है साथ ही साथ हम सिलेबस से रेलिवेंट भी कुछ पढ़ेंगे डिफ्रेंस देखेंगे करिकुलम और सिलेबस के दरमियान का पहले पार्ट में हम पहले तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लास्ट वाले तीन टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करेंगे सो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं टॉपिक वन सिक्सटी जिसमें बताया गया है वट इज़ करिकुलम अगर तो हम करिकुलम की बात करें तो ये हम निसाब को कहते हैं ठीक है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ किताब या रिटर्न डॉक्यूमेंट्स पकड़ा कर उसमें जस्ट लिस्ट ऑफ़ टॉपिक्स नहीं दिए जाते कि आपने जस्ट इतना पढ़ना है बल्कि इसमें साथ ही साथ टीचर की एक्टिविटीज़ भी बताई जाती हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ाएंगे किस तरह से पढ़ाएंगे बच्चों की कौन कौन सी सरगर्मियाँ होंगी क्या क्या वो खेलेंगे खेल के एक्सपीरियंस करेंगे हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो बताई जाती है प्रोवाइड की जाती है उसको हम करिकुलम कहते हैं यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हैं जितना भी हमारे कोर्स होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है सारी वो हमारे पास करिकुलम में आ जाती है ठीक है अब यहाँ क्या बताया गया है कि ये एक थोरेटिकल डॉक्यूमेंट होता है थ्योरी बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है एंड रेफर टू द प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ इन एन एजुकेशन सिस्टम और इंस्टीट्यूशन ठीक है यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम और इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या होता है कि एक थ्रेटिकल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे स्टडी ऑफ प्रोग्राम्स या प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ जो होते हैं उनको बताता है ठीक है हमारी एक्टिविटीज़ को बताता है साथ ही साथ उन्होंने बताया कि करिकुलम रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच स्टूडेंट्स आर इंगेज अंडर द ऑस्पिसज ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि इंस्टीट्यूशन के माँ तहत जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स उनमें इंगेज होते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ करिकुलम में बताई जाती हैं साथ ही साथ उन्हें बताया कि इट इंक्लूड वट पीपल्स लर्न हाउ दे लर्न इट हाउ टीचर्स हैव दैम लर्न कि ये सारी चीज़ें कि टीचर किस तरह से लर्न करवाएगा कैसे वो लर्न करेंगे क्या लर्न करेंगे वट स्पोर्टिंग मटीरियल कौन सा मटीरियल होगा कौन से मैथड ऑफ असमेंट होंगे ठीक है कौन से फैसिलिटीज़ जो हैं उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी उसके अलावा उन्होंने बताया कि इट डील विद द एब्सट्रैक्ट जनरल गोल ऑफ एजुकेशन एंड रिफ्लेक्ट एजुकेशनल एंड कल्चरल फिलोसफी ऑफ आर कंट्री इसमें बेसिकली वो बता रहे हैं कि ये जो है जो भी जनरल गोल्स होते हैं एजुकेशन के ठीक है उनके साथ डील करता है और साथ ही साथ हमारी एजुकेशनल और कल्चरल फिलोसफी जो होती है किसी भी कंट्री की उसको रिफ़्लेक्ट करता है उसको हाईलाइट करता है उसको बताता है ठीक है अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बताया गया है कि व्हाट इज़ करिकुलम डेवलपमेंट अगर तो हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें उन्होंने बताया है कि एन इसशली प्रैक्टिकल एक्टिविटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग थ्रू द यूज़ ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिव्यू प्रैक्टिसज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम बेसिकली वो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बुनियादी प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो क्या करती है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी कि टीचिंग की जो क्वालिटी होती है उसको किस तरह से थ्रू द सिस्टमैटिक प्लानिंग जो इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर प्लानिंग की जाती है जो डेवलपमेंट होती है प्रैक्टिसेस होती हैं सबके थ्रू जो होता है वो क्या करता है ये इम्प्रूव करता है टीचिंग को करिकुलम डेवलपमेंट ठीक है अब उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कवर्स कि ये क्या क्या कवर करता है डिटरमाइनिंग द लर्निंग नीड्स अब डिटर डिटरमाइनिंग द लर्निंग नीड्स जो है उसमें हमारे पास लर्निंग नीड की अगर बात की जाए तो ये स्टार्ट होता है विदा काइंड ऑफ नीड एनालिसिस ऑफ अ लर्नर ठीक है अब लर्नर की नीड एनालिसिस क्या होती हैं अगर तो हम लर्नर्स नीड्स की बात करें ठीक है तो इट मींस के जो लर्नर का गोल होता है ठीक है जो उसकी एबिलिटी होती है कि उसने इन फ्यूचर कौन से स्किल को आगे लेकर चलना है तो बेसिकली वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लर्नर नीड्स जो होती हैं उनका ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आया कि लर्नर का इंटरेस्ट है कि नहीं है तो उस लिहाज से उन्हें पढ़ाना चाहिए उस लिहाज से उनके लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें टीच करना चाहिए साथ ही साथ डेवलपिंग ऑब्जेक्टिवस टू एड्रेस द नीड्स यानी कि बेस्ड ऑन लर्निंग नीड्स ऑफ लर्नर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो ऑब्जेक्टिव्स या वो गोल डेवलप करें जो कि एड्रेस करता हो लर्नर की नीड्स को फॉर एग्जांपल अगर कोई आउट ऑफ कंट्री जाकर अमेरिकन या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उसकी इंग्लिश में कितनी महारत होनी चाहिए और उस पर कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें उनके ऊपर गौर करना उसके अलावा अप्रोप्रिएट सिलेबस होना चाहिए ठीक है मुनासिब सलेबस होना चाहिए कोर्स स्ट्रक्चर टीचिंग मेथड्स मटेरियल वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए उसके अलावा एवेलवेशन का प्रोसेस होना चाहिए ठीक है ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं करिकुलम डेवलपमेंट की Uh, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि करिकुलम डेवलपमेंट को कवर करते हैं ठीक है उसके अलावा उन्होंने बताया कि वट क्वेश्चन डज़ द करिकुलम एड्रेस बेसिकली वो यहाँ पर बता रहे हैं कि करिकुलम जो है वो किन सवालों पर जो है वो ज़्यादा तोजा देता है अगर तो पहला सवाल देखा जाए तो वट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन दिस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कि उनका क्या मकसद होना चाहिए जैसे कि मैंने कहा है कि एड्रेस करनी चाहिए लर्नर नीड्स साथ ही साथ व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज शुड शुड स्टूडेंट्स इस टॉट यानी कि कौन से किस्म की नॉलेज देनी चाहिए व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसिस Do द स्टूडेंट्स नीड कौन से एक्सपीरियंसिस की उन्हें जरूरत है और वो सारी चीज़ें जिन जिन मरहलों से वो गुजर रहे होते हैं वट काइंड टीचिंग मैथड्स हाउ शुड दीज लर्निंग experiences बी ऑर्गेनाइज कैसे इन एक्सपीरियंसिस को जो लर्निंग के दौरान हो रहे होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहिए एंड हाउ शुड वी assess लर्नर्स वही बात है लास्ट पर जो है वो ग्रेडिंग का सिस्टम है कि आपको किस तरह से ग्रेडिंग करनी चाहिए यहाँ पर ये यह सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कौन से स्टेप्स जो हैं वो एड्रेस किए गए हैं कवर किए गए हैं और साथ ही साथ करिकुलम की डेफिनेशन है ठीक है उसके बाद टॉपिक वन सिक्सटी वन स्टार्ट होता है जो कि सिलेबस डिज़ाइन टू करिकुलम डेवलपमेंट है अगर तो हम सिलेबस की डेफिनेशन देखें तो सिलेबस जो होता है ये वो चीज़ें हाईलाइट करता है या फिर हमें स्टार्टर में दो या तीन पेजेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिनके ऊपर क्या होता है कि लिस्ट ऑफ कंटेंट या लिस्ट ऑफ़ टॉपिक्स या सब टॉपिक्स जो होते हैं जस्ट वो लिख दिए जाते हैं जो कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड नहीं करते होते हैं। अगर हम करिकुलम की बात करें तो सिलेबस जो है वो एक सब फील्ड है करिकुलम की ठीक है करिकुलम में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है जबकि सिलेबस में क्या होता है कि जस्ट लिस्ट ऑफ कंटेंट या टॉपिक्स या सब टॉपिक्स जो होते हैं जस्ट उनके नाम लिख दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इतने मंथ्स तक जो है वो आपने इतना कवर करना है ठीक है तो इसको हम सिलेबस कहते हैं तो यहाँ पर जो डेफिनेशन मैंने हाईलाइट किया है कि सिलेबस इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लिस्ट वट विल बी taught एंड टेस्टेड कि क्या आपको सिखाना है किसका इम्तहान लेना है ठीक है ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं उसके अलावा उन्होंने बताया कि एट सिंपलेस्ट लेवल सिलेबस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज टू बी लर्न तो बेसिकली यहाँ यही बताया जा रहा है कि इन मंथ्स में कितना लर्न करना है कितने टॉपिक्स आपने करने हैं वो सारी चीज़ें जस्ट इसके अंदर बताई जाती हैं ठीक है बाकी जो चीज़ें रह जाएँ आप पढ़ सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जस्ट यही है कि ये स्पेसिफिकेशन ऑफ द कॉन्टेंट ऑफ कोर्स होता है ठीक है उसके अलावा हमारे पास एक डिफरेंस है जो कि करिकुलम वर्सेस सिलेबस है अगर तो हम करिकुलम की बात करें तो उन्होंने बताया कि ये थ्योरेटिकल होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है ठीक है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इंस्टीट्यूशन से बनकर आता है और साथ ही साथ ये थ्योरी बेस्ड होता है हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है हर तरह की सर सरगर्मी जो होती है वो इसमें हाईलाइट की जाती है अगर तो सिलेबस की बात करें तो उन्होंने कहा ये एक तरह से गाइड होती है टीचर्स के लिए और लर्नर्स के लिए जो कि इंडिकेट करता है कि क्या इतने मंथ्स में हमने अचीव करना है क्या हमने इतने मंथ्स में जो है वो लर्न करना है ठीक है उसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है नेक्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगी इसलिए उनका नहीं बता रही जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था उसके अलावा मजीद आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि सिलेबस जो होता है ये स्पेसिफ़िक होता है किसी ना किसी पार्टिकुलर कोर्स तक ठीक है इस स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर कोर्स वाइल करिकुलम जो होता है इज़ अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क दैट इनकम्पासज मल्टीपल कोर्सिस और एन इंटायर प्रोग्राम ऑफ स्टडी ठीक है ये जो लाइन्स मैंने दोहराई हैं आप लोग इन्हें रिपीट करके देखें और इनको लिख लें ताकि अगर आपको इन लॉन्ग क्वेश्चन ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपसे पूछा जाए तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर दें ठीक है उसके अलावा यहाँ बताया गया कि सिलेबस जो होता है ये ज़्यादा लोकलाइज होता है यानी कि ज़्यादा कंक्रीट होता है लोकलाइज किस तरह से जिस तरह मैंने आपको ये पॉइंट बताया है कि सिलेबस जो होता है वो इज़ स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर कोर्स किसी ना किसी पार्टिकुलर कोर्स तक ही स्पेसिफिक होता है जबकि करिकुलम जो होता है ये क्या करता है ये अपने अंदर जो है वो इंटायर प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो होता है उसको इमर्ज करता है अपने अंदर सेव करता है तो इसको हम करिकुलम कहते हैं ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस था उसके अलावा उन्होंने बताया कि सिलेबस जो है कुड बी नैरो और ब्रॉडर व्यू यानी कि ये जो है वो नैरो और ब्रॉडर फील व्यू के लिहाज से भी हो सकता है अगर तो हम नैरो व्यू के लिहाज से देखें तो सम स्पेसिफिकेशन ऑफ लर्निंग जैसे कि सिलेक्शन ग्रेडिंग और लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव या मटीरियल जो भी उसके अलावा ब्रॉडर व्यू की बात की जाए तो ये ना सिर्फ कंसर्न करता है सिलेक्शन ऑफ ग्रेडिंग ऑफ कॉन्टेंट यानी कि ना सिर्फ ये सिलेक्शन और ग्रेडिंग मटेरियल से कंसर्न करता है बल्कि साथ ही साथ ये लर्निंग टास्क और एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी भी स्टडी के अंदर इन्वॉल्व होता है इसको हम ब्रॉडर व्यू कहते हैं अगर हम सिलेबस की बात करें उसकी भी कैटेगरीज आ जाती हैं अगर नैरो व्यू से देखा जाए तो ये जस्ट कंसर्न करता है सिलेक्शन ग्रेडिंग और लर्निंग मटेरियल के साथ ठीक है अगर तो हम ब्रॉडर व्यू की बात करें तो ये सिलेक्शन और ग्रेडिंग मटीरियल के साथ साथ जो है वो लर्निंग टास्क और एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व होता है उसके अलावा जॉनसन के अकॉर्डिंग जो है वो हम देखेंगे कि विथ स्टेज नीड्स वट रोल्स एंड वट प्रोडक्ट्स कम एज अ रिजल्ट ठीक है देखेंगे कि कौन सी स्टेज जो है उसको कौन से रोल्स की ज़रूरत है और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो एज अ रिजल्ट आएंगी अगर तो हम करिकुलम प्लानिंग में देखें तो इसमें इन्वॉल्व होता है हमारे पास एज अ डिसीजन मेकर अगर देखा जाए तो पॉलिसी मेकर्स होते हैं और अगर हम एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्ट देखें तो वो हमारे पास एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है अगर तो हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफ़िकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो हैं उनमें हमारे पास इन्वॉल्व हो, होता है नीड एनालिसिस और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारे पास सिलेबस आ जाता है उसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें हमारे पास मटेरियल राइटर्स होते हैं टीचर ट्रेनर होते हैं और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल होते हैं ठीक है और इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास टीचर और लर्नर दोनों एज अ डिज़ीन मेकर रोल्स आते हैं ठीक है और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो टीचिंग एक्ट लर्निंग एक्ट ये एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है ठीक है बाकी आपने थोड़ा बहुत इनके बारे में याद रख लेना है ठीक है क्या पता एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर तो हम सिलेबस की रिक्वायरमेंट्स देखें तो ये जो है वो ऑफ़र करता है अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डायरेक्शन टू टीचर्स एंड लर्नर्स वर्क अगर तो हम सेंस ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि सिलेबस जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक तरह से हमें एक रोड मैप किसी कोर्स का जो कि मदद करता है तलबा के लिए क्या क्या सीखेंगे कैसे सीखेंगे तो इसलिए हम इसको जो है वो एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी से रेफ़र करते हैं ये हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सिलेबस को बनाने की ठीक है उसके अलावा उन्होंने बताया कि रिप्रजेंट करता है रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ वट हैज़ बीन अचीव्ड अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव की बात करें इसका मतलब है कि ये आउटलाइन करता है कि हम क्या सीख चुके हैं प्रीवियस कोर्स में और कैसे हम जो है वो न्यू नॉलेज नए सेमेस्टर में या नए कोर्स में जो है वो बिल्ड करेंगे बिल्ड करेंगे ठीक है तो इसको हम असल में रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट से रेफर करते हैं उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है बेसिस ऑन विच लर्नर प्रोग्रेस में भी वेलोएटेड कि वो किस तरह से वेलवेट well की जा सकती है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं ठीक है साथ ही उन्होंने बताया कि इट मस्ट हारमोनाइज़ द थ्री कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इट इज़ लोकेटेड। यानी कि जो सिलेबस है इसको उन्होंने कहा है कि हारमोनाइज करना होगा एक तरह से हम आहंग करना होगा इन तीन कॉन्टेक्स्ट के साथ जिसके अंदर ये लोकेटेड है एक तो वाइडर लैंग्वेज करिकुलम है करिकुलम है ठीक है उसके अलावा लैंग्वेज क्लासरूम है ठीक है और पार्टिसिपेंट्स जो कि वो यूज़ कर रहे होते हैं सिलेबस और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट में एजुकेशन एंड सोशल रियलिटी यानी कि वो तलीमी और सोशल रियलिटी दैट द कोर्स प्लान इज़ सपोज टू सर्व जो कि कोर्स प्लान में पेश की जाती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है वो हारमोनाइज़ करते हैं करती हैं इन तीन कॉन्टेक्स्ट को जिसके अंदर ये लोकेटेड होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइडर लैंग्वेज करिकुलम उसके अलावा लैंग्वेज क्लासरूम और पार्टिसिपेंट्स जो कि इसको यूज़ कर रहे होते हैं और साथ ही साथ एजुकेशनल और सोशल रियलिटी जिसके अंदर ये पेश किया जाता है ठीक है उसके अलावा उन्होंने बताया कि वन ऑफ द अप्रोच टेकन हेयर सीक्स टू प्लेस टीचर्स एंड लैंग्वेज टीचिंग प्रोफेशनल्स एट देंटर ऑफ़ द प्लानिंग एंड दिन मेकरस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग यानी कि यहाँ पर उठाए गए तरीक़ों से एक और ज़ुबान सीखने वाले अफराद को जगह देना है ठीक है उसके अलावा जॉनसन के अकॉर्डिंग बताया गया है डिसीजन मेकर जो ये ऊपर उसने ये सारा टेबल बताया उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है आप इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें यही बताया गया है कि अगर जॉनसन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो प्रोडक्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की वो एग्जिस्ट होती है किस फॉर्म में पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सिलेबस में टेस्ट में टीचिंग मटेरियल में तो इन सब में तो पढ़ने वाली है एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उसके बाद टॉपिक वन देख लेते हैं जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉटेंट टॉपिक जो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है वो है इंग्लिश फॉर स्पेसिफ़िक पर्पस ये ई एस पी आपसे एब्रीवेशन सेपरेट टू तो या थ्री मार्क्स का पूछा जा सकता है तो इसको आपने याद रखना है मोस्टली हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि हमने जैस तीन एब्रीवेशन पढ़े थे ठीक है जिसमें हम इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एज अ फॉरन लैंग्वेज वो पढ़ते थे लेकिन ये ई एस पी इंग्लिश फॉर स्पेसिफ़िक पर्पस है, है। तो अगर हम ई एस पी की बात करें तो इसमें उन्होंने बताया कि द कंसर्न टू मेक लैंग्वेज कोर्स मोर रेलिवेंट टू लर्नर नीड्स यानी कि जो लैंग्वेज कोर्स होता है ना उसको बनाना चाहिए लर्नर नीड से रेलिवेंट अब लर्नर नीड की मैंने आपसे बात की थी कि लर्नर नीड्स जो है वो रेफर करता है स्पेसिफिक गोल से लर्नर के इंटरेस्ट से उसकी एबिलिटी से जो कि इन्फ्लुएंस करती है कि हाउ दे लर्न व्हाट दे वांट टू अचीव थ्रू देयर लर्निंग यानी कि अपनी लर्निंग के दौरान वो क्या अचीव करता है और किस मोटिव से वो अचीव करता है तो ये बेसिकली लर्नर नीड्स होती हैं तो अगर तो इंग्लिश फॉर स्पेसिफ़िक पर्पज़ देखी जाए तो स्पेसिफ़िक पर्पज़ तो यही हाईलाइट करता है कि लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए आया कि उसने इंग्लिश को जस्ट फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलना है या फिर वो किसी आ, बाहर के मुल्क जाकर किसी अमेरिकन या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है ठीक है तो ये टू डिफरेंट गोल्स हैं तो उन गोल्स का ख्याल करके जो है वो उसके लिए जो स्पेसिफिक पर्पस होता है उसको हम इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस कहते हैं या हम इसको ई भी कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ई में आर रिस्पॉन्स टू अ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल कंसर्नस यानी कि कुछ प्रैक्टिकल जो ख़दशात थे उनका जवाब जो दिया गया है वो क्या है कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है फॉर एग्ज़ाम्पल के द नीड टू प्रिपेयर ग्रोइंग नंबर्स ऑफ नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स यानी कि जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें ऐसे मौका रखने चाहिए जिनकी ख्वाहिश है कि वो अमेरिकन और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ें तो उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करना होगा तो बेसिकली वो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि द नीड टू प्रिपेयर ग्रोइंग नंबर्स ऑफ नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स यानी कि जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को ईजी बनाना है उसके अलावा द नीड टू टीच इमिग्रांट्स द लैंग्वेज नीडी टू डील विद जॉब सिचुएशन यानी कि वो लोग जो बाहर के मुल्क जाकर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरत है कि उन्हें इंग्लिश सिखाई जाए आसान इंग्लिश सिखाई जाए उसके अलावा द नीड टू प्रिपेयर मटीरियल टू टीच स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी मास्टर्ड बेसिकली इसका क्या मतलब है ये अगर पूरी लाइन्स का मतलब देखा जाए तो इसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर वो मटीरियल डिज़ाइन करने की भी ज़रूरत है कि जो लोग ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं बट वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट में या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए नर्सिस के लिए इंजीनियर्स के लिए या साइंटिस्ट के लिए तो बेसिकली उनके लिए भी जो है वो उनको भी टीच करना जरूरी है ताकि वो इन फील्ड्स में भी बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सकें क्योंकि अगर हम आ, नर्सिस की बात करें इंजीनियरिंग की या डॉक्टर्स की बात करें तो उनकी लैंग्वेज में उनकी वोकेबलरी डिफरेंट होगी ठीक है कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप टीचिंग में यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में लेकिन वो वर्ड डॉक्टर की फील्ड में डिफरेंट होंगे इसी तरह द नीड फॉर मटेरियल फॉर इंग्लिश फॉर बिजनेस पर्पजेस इसी तरह बिजनेस पर्पज़ में भी इंग्लिश को सिखाने की ज़रूरत है वहाँ पर भी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि जस्ट बिजनेस प्रपोजल्स में यूज़ किए जाते हैं बट अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में देखें तो वो डिफरेंट होते हैं ठीक है अब यहाँ बताया गया है कि 1970 में जो है वो देर इमर्ज दर जनरली एक्सेप्टेड व्यू दैट देर वर डिफ़रेंट वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश के इंग्लिश की जो है वो दर डिस्टिंगटिव फीचर्स यानी कि जो मुख्तलिफ़ फीचर्स हैं ऑफ़ विच कुड बी डिस्क्राइब जिनको बताना चाहिए ठीक है सिखाना चाहिए और उनका आसान इस्तेमाल होना चाहिए टेक्स्ट वगैरह का ठीक है उसके अलावा यहाँ बताया गया कि इट रिफ्लेक्ट इन सच वाइडली यूज बुक्स उसमें हमारे पास कुछ बुक्स आ जाती हैं जो कि इस कॉन्टेस्ट में इस्तेमाल होती हैं जैसे कि कोर्स इन बेसिक साइंटिफिक इंग्लिश उसके अलावा राइटिंग साइंटिफिक इंग्लिश तो ये आपने एक दफ़ा इसको भी पढ़ लेना उन्होंने बताया कि नाइनटीन सेवनटी में ई एस पी अप्रोच या इंग्लिश फॉर स्पेसिफ़िक पर्पज़ इन लैंग्वेज टीचिंग जो वो ड्रू कर रहा है या रिलाय कर रहा है किसके ऊपर रजिस्टर एनालिसिस के ऊपर और डिस्कोर्स एनालिसिस के ऊपर अगर तो हम रजिस्टर एनालिसिस की बात करें डिस्कोर्स एनालिसिस आप पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं रजिस्टर एनालिसिस क्या होता है रजिस्टर एनालिसिस जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जो कि एनालाइज करता है लैंग्वेज का यूज इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर की फील्ड में या फिर आ, टीचिंग की फ़ील्ड में उसके अलावा बिजनेस में तो वो जो पार्टिकुलर फील्ड होती है लैंग्वेज की उसको एनालाइज़ करना रजिस्टर एनालिसिस कहलाता है एग्जांपल में उसने बताया कि चू जो वूमेन थी उसने एनालाइज़ किया था लैंग्वेज का यूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पर और साथ ही साथ बोर्ड रूम डिस्कशन में जैसे कि मीटिंग्स वगैरह होती हैं ठीक है थीके? कैनेडा में उसने ऑब्ज़र्व किया था और उसने क्या नोटिस किया था उसने नोट सरप्राइजिंगली बट उसने नोटिस किया था कि कुछ वर्ब जैसे कि अटैच इन अप्रिशिएट रेफर फॉरवर्ड ये सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जा रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक है तो ये उसका तज्जिया था जो कि रजिस्टर एनालिसिस में बताया गया उसके अलावा डिस्कोर्स एनालिसिस की बात की जाए तो ये आइडेंटिफाई करता है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ लोंगर सैम्पल ऑफ स्पीच और टेक्स्ट बेसिकली ये रेफ़र करता है पार्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ जो होता है किसी ना किसी पार्टिकुलर कॉन्टेक्सट में ठीक है जैसे कि उसने बताया नरेटिव इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट बिजनेस लेटर उन सब में और स्पीच इवेंट्स उसके अलावा यहाँ बताया गया कि, कि एग्जामिन करता है कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट को जो कि अफेक्ट करता है लैंग्वेज यूज़ पर उसके अलावा एग्जाम्पल में सोशल ट्रांजेक्शन आ जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंग्वेज का यूज़ सोशल कॉन्टेक्स्ट में डी ए यानी कि डिस्कोर्स एनालिसिस लुक एट हाउ द चॉइस ऑफ वर्ब टेंसिस और अदर ग्रामेटिकल फीचर्स इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्कोर्स यानी कि किस तरह से वर्ब ग्रामेटिकल फीचर्स जो हम हमारी बातचीत पर इफेक्ट करते हैं तो ये हमारा ओवरऑल लेक्चर था मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताने की कोशिश की है आई होप सो कि आपको समझ आई होगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़